नमस्कार दोस्तों, आज के सत्र में आप देख सकते हैं निफ्टी 19,526 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 44,995 पे बंद हुआ है, 207 पॉइंट निफ्टी गिरा है, 596 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। इसमें सपोर्ट डिविस लैब ने किया, थोड़ा मार्केट को सपोर्ट, और नेस्ले इंडिया ने किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया, जो ज़्यादा सेफ कंपनी माने जाते हैं जैसे डीवीएस ले, फार्मा कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, उन सब में खरीदारी रही। वहीं लूजर्स में टाटा स्टील गिरा है, हीरो मोटो गिरा है, हीरो मोटो देखिए 3.5% गिरा है, टाटा स्टील भी 3.5% गिरा है, टाटा मोटर भी 3.5% गिरा है। तो इस तरह से गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकन मार्केट का भी हाल जान लेते हैं। 16,020 पे अमेरिकन डेक ट्रेड कर रहा है, नैस्डेक भी 13,917 पे ट्रेड कर रहा है, 2.57% गिर के ट्रेड हो रहा है, 1.36% डेक गिरा हुआ है। S&P भी 4511 में ट्रेड हो रहा है, 64.81 में गिरा हुआ है। FII कल के सत्र में 9200 करोड़ का बिकवाली किया है। FII ने 1035 करोड़ का बाइंग किया है। नेट टू नेट मार्केट में 942 करोड़ आया है। ऐसे में क्या रणनीति बनती है, मार्केट क्या कहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है 19,526 पे, ये 19,526 अगर देखा जाए तो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 19,550। तो कल का बहुत ही अहम लेवल हो जाएगा 19,550 के नीचे अगर हम खुलते हैं, जैसा कि उम्मीद है कि खुलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी, अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी नीचे है, ट्रेड हो रहा है, तो उसका जो है फ़ायदा कल देखने को मिलेगा मार्केट में। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल कैसा मार्केट यहाँ रिएक्ट करता है। तो 19,550 को अगर होल्ड नहीं कर पाए, अगर यहाँ से टूट जाती है, तो फिर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगी। ये जो लेवल है 19,500, तो गिरेगी तो 19,400 तक, और हो सकता है उससे नीचे भी गिरने की तैयारी करे। तो सबसे पहले तीन सिनेरियो मार्केट के होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप ओपनिंग कहाँ पे हो, अगर 19,700 19,800 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है, पहला 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनता है, तब आप एक बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत गिर भी चुका है, तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है, लेकिन चांसेज इसका बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी गिर रहा है। अब अगर पहला 5 मिनट गैप अप ओपनिंग हो के पहला 5 मिनट के अगर रेड बन जाती है, तब फिर एक शार्प कॉल देख सकते हैं आप, 19,700 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, 19,550 के नीचे अगर खुल जाते हैं, तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मार्केट को फिर 19,400 का जो आजकल इंट्राडे का लो है 19,427, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी मार्केट। तो अगर 19,550 के नीचे जैसे ही खुलती है, आपको पहला 5 मिनट कैंडल अगर रेड बनता है, आँख बंद करके आपको 19,400 के पुट ऑप्शन पे बैठना है, एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला 5 मिनट में 19,550 को अगर रिस्पेक्ट करता है, वहाँ पे होल्ड करता है, फिर पहला 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनता है, तब फिर आप 19,600 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। दूसरा, ये हुआ दो सिनेरियो, गैप डाउन ओपनिंग होने पे और गैप अप ओपनिंग होने पे। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, यानी 19,600 19,700 के बीच में अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं,
तो पहला 5 मिनट के अंदर अगर ग्रीन बनता है तो फिर हम 19,700 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, और अगर पहला 5 मिनट के अंदर रेड बनता है तो फिर 19,600 के पुट ऑप्शन पे हम बैठ सकते हैं। ये हुआ निफ्टी का एक रणनीति, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, और मार्केट फ्लैट होने पे क्या करना है। अब थोड़ा बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चार्ट बोलता है और बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन निफ्टी को सपोर्ट करने वाला कोई चाहिए, बैंक निफ्टी पहले सपोर्ट करता था तो निफ्टी बढ़ता था, अब बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब इस हालत में क्या करना है, इस हालत में कौन सपोर्ट करेगा। तो इस हालत में आपको जो सपोर्ट करेगा वो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही नज़र आए मार्केट में फिर तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कोई तो इस तरह का मार्केट में नहीं दिख रहा है कि कोई मार्केट में आके सपोर्ट करेगा। ऑटो भी सपोर्ट करती थी, वो भी अभी ऑटो भी सपोर्ट करना बंद किए हुए हैं, तो ऑटो भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। फार्मा सेक्टर और FMCG सेक्टर जो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर रहा है, ये कब तक करता है ये देखने वाली बात होगी। तो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल रही है, यही गिरावट आपको निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो आइए चार्ट समझते हैं क्या बैंक निफ्टी बता रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल दिए हैं, आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में एक अहम बात है, ये देखिए किस तरह से मार्केट में गिरा है और हम बंद हुए 45,055 के, 45,055 के आसपास हम क्लोजिंग दिए हैं बैंक निफ्टी में। तो 45,000 का लेवल कोई रिस्पेक्ट किया है, अगर कल 45,000 का लेवल को तोड़ता है तो फिर हम एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकते हैं, 46,500 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। तो पहला 5 मिनट कैंडल हम देखेंगे, पहले अगर मान के 3 सिनेरियो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है यानी 45,000 के आसपास ओपन होती है, 45,500 के आसपास ओपन होती है, और पहला 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनाती है तब आप 45,600 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। पहला 5 मिनट कैंडल अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर रेड बनाती है तब फिर आप 45,400 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, 45,000 के नीचे ओपन हो जाए और पहला 5 मिनट के अंदर अगर ग्रीन बना दे तो फिर 45,100 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, और अगर 45,000 के नीचे मार्केट ग्रीन ना बना के एक रेड कैंडल बना दे तो फिर हम एक शार्प कॉल देख सकते हैं। उस हालत में आप 49,900 के कॉल और पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए 45,400 के आसपास ओपन हो जाए और पहला 5 मिनट ग्रीन बनाए तो फिर 45,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, और 45,000 अगर फ्लैट ओपन हो के पहला 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनाती है तब आप फिर 45,300 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो हुआ मार्केट में गैप डाउन और गैप ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग होने पे हम क्या कर सकते हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं, इसका डिस्कशन हमने किया। तब कल देखने वाली मार्केट में ये बात होगी कि जो 20 डेज का EMA है निफ्टी में वो है 19,550, अगर 550 को तोड़ देती है तो निफ्टी में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी टूट रहा है। दूसरा निफ्टी में ये हुआ 19,550 का लेवल, और अगर बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल को तोड़ती है तो फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ आज का मार्केट का मोटा मोटी जानकारी, और कल का किस तरह से ट्रेड सेटअप बैठेगा ये समझने की कल कोशिश करेंगे।
अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।